तो हाय गाइस, मेरा नाम है करम और हम जा रहे हैं बैंगलोर। ये रहा मेरा बैग। जौनपुर से फ्लाइट में जाने में कितने घंटे लगते हैं बैंगलोर पहुंचने में, तो ये हम आपको बता देंगे। हम कर लेते हैं रिक्शा, रिक्शे में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद बस स्टॉप पे पहुंचते हैं। बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद बैठ जाते हैं बस में, फिर ऑटो कर लेते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं, फिर ऑटो मुझे छोड़ के जाता है। पहुंच जाता हूँ वाराणसी एयरपोर्ट के अंदर, बोर्डिंग पास लेता हूँ। बोर्डिंग पास लेने के बाद मुझे प्यास लगती है तो मैं जूस पी लेता हूँ, फिर भूख लगती है तो मैं कुछ खा लेता हूँ। खाने के बाद पहुंच जाता हूँ फ्लाइट के अंदर, मैं देखता हूँ अपना बोर्डिंग पास, मेरी कौन सी सीट है। उसके बाद मैं अपनी सीट पे पहुंच जाता हूँ, मुझे विंडो वाली सीट मिल गई। फिर हम देखते हैं विंडो के बाहर, फ्लाइट हमारे रुकी हुई है। फिर धीरे धीरे उड़ान भरने को तैयार होती है, फिर उड़ान भरती है, फिर हमें ऊपर से देखने को इस तरह रोड मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। फिर हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एग्जिट लेते हैं, बाहर लिखा होता है आई लव BLR। तो फाइनली बैंगलोर पहुँच जाते हैं। वाराणसी टू बैंगलोर जाने में लगभग 3.5 घंटे का फर्क पड़ता है। अगर हम फुल वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाए अगर हम ब्लॉग क्वेश्चन मार्क।